अस्सलाम वालेकुम, हेलो नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी सिंधी पुलाव, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने प्याज पहले से फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमारे पास है ये टोमेटो पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी 4 अदरक हरी मिर्चें, तेज़पत्ता और लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद है हमारे पास इमली, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और हमारे पास चावल हैं, 2 ग्लास चावल, ठीक है, हमें पकाने हैं। तो अब हम अपना जो है वो चिकन, उसको फ्राई करेंगे। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए नाज़रीन, हम अपना चिकन फ्राई कर रहे हैं। ठीक है जी, हम अपना चिकन जो है वो फ्राई कर रहे हैं और अब इसमें जो है वो जाएगा, जब ये फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जो आपको मैंने दिखाया था अभी पेस्ट, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ठीक है, ये डालेंगे हम इसमें। इसको हमने जो हमने प्याज जो है उसको ब्राउन किया था, इसको हमने अलग अलग कर लेना है, ठीक है। देखिए आप जैसे मैं कर रही हूँ अलग अलग, ठीक है, गुजारा होगा इससे, मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ। अब हमने इसमें जो है वो डाले हैं दालचीनी और मोटी इलायची डाली है हमने इसमें। देखिए हमने काली मिर्च और लौंग डाली है। अब ये फ्राई हो रहा है, इसको हम इन चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे, ठीक है। लौंग जो है वो हमने 2 डाली है, दालचीनी हमने 1 डाली है, ठीक है, बड़ी। अभी भी हम इसको जो है वो फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब फाइनल लुक हम आपको फ्राई करके हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, फिर आपको बताएंगे आगे इसमें क्या जाना है फ्राई करने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। देखें हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तेज़पत्ता और मिर्चें हम बाद में डालेंगे, ठीक है जनाब जी। अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। अभी फ्राई हो गया है, ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो का पेस्ट, ठीक है। ये 2 अदद टोमेटो है हमारे पास, उसका पेस्ट हमने डाल लिया, ठीक है। हमारे जो शेफ़ हैं वो आपको सारी रेसिपी रिपीट कर देंगे अभी। सबसे पहले हमने प्याज को 2 प्याज लिए, उसको हमने फ्राई कर लिया, जब बॉयल हुआ हमने उसको निकाल लिया। उसके बाद हमने उसी ऑयल में चिकन को डाल के फ्राई हल्का से करके मोटी इलायची, दालचीनी, 2 लौंग डाले थे और 3-4 काली मिर्च डाली थी। उसके बाद जब वो अच्छी तरह साफ फ्राई हो गया है, चिकन हल्का सा कलर उसने छोड़ा है, उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। जब लहसुन अदरक थोड़ा सा सही उसके अंदर टाइट हो गया, उसके बाद हमने टमाटर पेस्ट डाले हैं, 2 टमाटर डाले हैं। इसके बाद अब हम इमली डालेंगे, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको इमली डालेंगे। अब हम इसमें इमली डालेंगे, ठीक है, हमने इमली डाल दी है इसमें। अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे हम। चलिए अब हमने इसमें धनिया डाला है, ठीक है, इसको हमने चॉप करके डालना है, ठीक है, तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। नाज़रीन अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ठीक है, हल्की सी हमने डालनी है इसमें, और
हम इसमें डालेंगे रेड चिली, टू टेबल स्पून हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको भूनेंगे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली, फोर रेड चिली, के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा, ठीक है। अब हम इसमें ड्राई कोरिएंडर डाला है हमने थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब हमने इसमें गरम मसाला डाला है तकरीबन 3 चुटकी। अब हमने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। खुशबू ही बहुत प्यारी आ रही है, ठीक है। अब हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला है, ठीक है, तकरीबन 1 पिंच। हमने इसमें 2 इलायची डाली थी, अब इसको निकाल लेंगे हम, इसको निकालने लगे हम। चावलों के हिसाब से पानी डाल दिए, 1/2 किलो चावल हमने लिए हैं, ठीक है। इसको हमने भिगो दिया था और अब हम इसमें डाल रहे हैं इसको। अब हमने इसमें तेज़पात डाल दी, ठीक है। जब चावल बॉयल हो रहे हों तब डाल दिए हमने। जी नाज़रीन, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। डाल दिया है इसमें हमने, ठीक है। चावलों को थोड़ा सा बॉइल करना है हमने, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें रहने देना है हमने। अब जो है वो हमने इसको हिलाना है। अब हमने इसमें डाल दिया है जी प्याज, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा कलर डालेंगे इसमें, फूड कलर, ऑरेंज कलर है ये, डाल दिया, ठीक है। अब हमने इसको दम पे दे दिए, ठीक है।